महाराष्ट्र में शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद गोवा में भी नई राजनीतिक करवट ले रही है। इसकी शुरुआत आज सुबह शिवसेना नेता संजय राउत के उस बयान से हुई जब उन्होंने कहा कि जल्दी ही गोवा में एक चमत्कार देखने को मिलेगा। शिवसेना गोवा फॉरवर्ड पार्टी के साथ गठबंधन कर रही है। अभी अभी मेरे साथ गोवा के एक्स मिनिस्टर एंड एक डिप्यूटी सीएम, उनके साथ 3 MLA है, गोवा फॉरवर्ड के प्रमुख है। शिवसेना के साथ उनका अलायंस हो रहा है, एक फ्रंट गोवा में बन रहा है शिवसेना के साथ। विजय सरदेसाई जी जो नेता है, गोवा के प्रमुख नेता है, डिप्यूटी सीएम रहे हैं मनोहर पर्रिकर के मिनिस्ट्री में, तो गोवा में एक नई राजनीति जैसे महाराष्ट्र में हुई है, नया फ्रंट बन रहा है। प्रमोद सावंत जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं, जिस तरह से एक सरकार बनाई है महाराष्ट्र में, हम पर उंगली दिखाते हैं कि हम कांग्रेस के साथ गए, हम एनसीपी के साथ गए, लेकिन कांग्रेस के वो सभी लोग जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के और भी घिनौने आरोप थे, उनके साथ सरकार बनाई और गोवा की जनता कोई पसंद नहीं है। इसलिए आज विजय सरदेसाई जी, एक्स डिप्यूटी सीएम और गोवा फॉरवर्ड के प्रेसिडेंट, आज शिवसेना के साथ आए हैं और हम गोवा में जाकर उनके साथ एक फ्रंट बना रहे हैं और जल्दी ही गोवा में भी एक चमत्कार आपको दिखाई देगा। इस बीच गोवा के उप मुख्यमंत्री मनोहर अजगांवकर ने संजय राउत पर हमला बोला और कहा कि वो सपना देख रहे हैं। चाहे जो भी हो, संजय राउत के इस दावे से गोवा के डिप्टी सीएम मनोहर अजगांवकर अलर्ट जरूर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि संजय राउत विजय सरदेसाई के साथ गठबंधन बना रहे हैं और उनके साथ चुनाव की बात कर रहे हैं। उन्हें पता चल जाएगा कि गोवा के लोग कैसे हैं। संजय राउत सपना देख रहे हैं। वास्तविकता यह है कि गोवा के लोगों के पास एक मजबूत सरकार है। मनोहर अजगांवकर ने कहा कि बीजेपी सरकार के काम को देखते हुए कांग्रेस के 10 विधायक बीजेपी में आ गए। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत मनोहर पर्रिकर के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। हम इस 5 साल के कार्यकाल को न सिर्फ पूरा करेंगे बल्कि हमें अगले 5 साल भी मिलेंगे। महाराष्ट्र से संजय राउत ने जो आवाज लगाई उसकी गूंज जल्दी ही गोवा तक पहुंच गई। संजय राउत के सुर से सुर मिलाते हुए गोवा फॉरवर्ड पार्टी के विजय सरदेसाई ने कहा, सरकारें घोषणा करके नहीं बदलती, ये अचानक होता है। महाराष्ट्र में जो हुआ वो गोवा में भी होना चाहिए। सरकार बदलने का जो बात है वो क्या कल होने वाली नहीं है, वो बता के नहीं होती है, कभी ऐसी होती है। जो महाराष्ट्र में हुआ है वो मुझे लगता है महाराष्ट्र फॉरवर्ड लेने की बात है, वैसे ही गोवा में भी करना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को समन जारी होने के सवाल पर संजय राउत ने कहा, मुझे इस बारे में नहीं मालूम, हम लोग गोवा की राजनीति में व्यस्त हैं। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र के बाद अब गोवा, उसके बाद अन्य राज्यों में जाएंगे। हम देश में गैर बीजेपी राजनीतिक मोर्चा बनाना चाहते हैं। पूरे देश में होगी, महाराष्ट्र के बाद गोवा है, गोवा के बाद बाहर जाएंगे। एक ऐसा फ्रंट हम इस देश में खड़ा करना चाहता है नॉन बीजेपी।